तो सिंपल सा रॉक उसके साथ एक प्लांट छोटा सा अटैच कर दिया था कुछ सालों पहले, आज ये अच्छे से नज़र आ रहा है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों एडवांस पिंचिंग टेक्निक, जो कहीं थियरी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो आप लोगों से सीधे शेयर करने जा रहा हूँ। कई बार शेयर भी किया है, फिर भी लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो आज तो वो क्लियर ही हो जाएगा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आप भी इस तरह की बढ़िया सी कैनोपी डिज़ाइन कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, करना कुछ है नहीं, बट करना तरीके से है। अगर ये कर दिया तो आपका प्लांट बहुत ही जल्दी बूसी हो जाएगा। तो नॉर्मल टेक्निक में क्या होता है, दो या तीन इंटरनोट के बाद हमें पिंचिंग करना होता है, जबकि मेरी सिस्टम में क्या है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4, चार इंटरनोट के बाद ट्रिमिंग करना है आप लोगों को। चार थोड़ा सा बढ़ने देना है, चार इंटरनोट के बाद, चार लीफ। ये जो चीज़ होती है दोस्तों, जहाँ लीफ होता है वहाँ नई ग्रोथ होने की संभावना रहती है, उसे इंटरनोट कहते हैं। और ऐसे चार पत्तों के बाद पिंचिंग करना है। अगर नहीं हुए हैं चार तो उसको बढ़ने दीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद जो ग्रोथ हुआ उसके बाद ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद का ग्रोथ। एक बार ग्रोथ हुआ उसके बाद का ये ग्रोथ न्यू स्टार्ट कर रहा है। तो ये वक्त है कि चार इंटरनोट के बाद आपको ट्रिमिंग करना है, और जहाँ नहीं है चार, तीन ही है, उसको चार होने देना है, उसके बाद करना है। तो ये हो गई हमारी एडवांस पिंचिंग टेक्निक। भले ही तीन चार ब्रांचों में हो, 1, 2, 3, 4, तो चार इंटरनोट के बाद, बिल्कुल चार इंटरनोट के बाद दोस्तों। तो ये हो गया है हमारा, यहाँ एक और है, चार पत्ते के बाद। एक बार फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, चार पत्तों के बाद। अब थियोरी में हमें समझाया जाता है कि हम पिंचिंग करेंगे तो यहाँ से दो ब्रांचें आएगी, यहाँ नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से, अब यहाँ कहीं से दो ब्रांचें या एक ब्रांच आती है और उसको हमें बढ़ने देना है अक्टूबर तक। कब तक? अक्टूबर तक उसको ऐसे ही बढ़ने दीजिए। अगर ज़्यादा अनबैलेंस होता है तो उसको ट्रिम कर सकते हैं, बाकी अक्टूबर तक उसको बढ़ने देना है। और क्या करना है, फिर जो भी ग्रोथ हुआ वहाँ दो पत्ते छोड़ के उसको हटा देना है। अभी यहाँ पिंच किया, यहाँ ग्रोथ होगा, उसको अक्टूबर तक कंटिन्यू रखना है, या अनबैलेंस होता है प्लांट में कहीं तो उसको ट्रिम कर सके, नहीं तो अक्टूबर में ये दो पत्तों के बाद यहाँ पिंच कर देना है, जो न्यू ग्रोथ हुआ था उसको हटा देना है दोस्तों। ये हो गई हमारी टेक्निक, यानी ऊपर के दो पत्तों में जो भी ग्रोथ हुआ होगा, दो ब्रांच निकलेगी ही और बहुत ही बढ़िया से बढ़ेगी, उसके बाद उसको यहाँ से उन दो ब्रांचों को हटा देना है। और बाद में जब ये नीचे से जो लीफ है उसमें से जो ग्रोथ आएगा उसको आगे लेके चलना है, यानी हमें यहाँ ब्रांचिंग चाहिए, यहाँ नहीं, पहले यहाँ ग्रोथ होगा। तो इस ग्रोथ का बेनिफिट क्या होगा, वो जल्दी से बढ़ेगी तो ये थिकन होगा दोस्तों, और यहाँ से दो ब्रांचें निकलेगी, उसको लेके आगे चलना है। फिर अगला सीजन आ जाएगा तो फिर वहाँ चार इंटरनोट के बाद होगा, फिर उसको बढ़ने देंगे नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से रेमिफिकेशन होता है, जितना जल्दी ये होगा उतना ही बेहतर होगा। तो ये हो गई हमारी एडवांस टेक्निक, जो कहीं सिखाई नहीं जाती अब तक, किसी को समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा करेंगे, अगर यहाँ हमने अभी से कर दिया तो थोड़ी दिक्कत होती है, ये इतना मोटा नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि ट्रिमिंग में चले जाते हैं तो प्लांट का ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की ट्रिमिंग टेक्निक बहुत ही कारगर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी टेक्निक, जहाँ जहाँ चार पत्ते हैं वहाँ चार पत्तों के बाद में ट्रिमिंग कर रहा हूँ। अगर ये टेक्निक समझ में आती है तो आप लोग सही दिशा में हैं, यानी आप लोग बहुत ही जल्द
अपना जो पड़ाव है वो आगे ले जा पाएंगे बोनसाई टेक्निक का सीखने का। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे, चार पत्तों के बाद ट्रिमिंग, उसके बाद अक्टूबर उसको, और इसके साथ क्या करना है आगे वो भी हम देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखा होगा तो जरूर फायदा मिलेगा, नहीं तो दूसरा वीडियो आएगा कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।